सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पंजाबी सिंगर्स जो अपने एक सॉन्ग के लिए लेते हैं लाखों पैसे। सो बने रहेगा फुल वीडियो तक। एंड आपको एक बात बता दें कि ऐसे पंजाबी सिंगर्स के फीस कम है, सॉन्ग फीस कम है, लेकिन इनके लाइव शो फीस बहुत ही ज़्यादा। सो आप इसमें एक कम ज़्यादा का फीस मत लगाना, क्योंकि जिसका सॉन्ग फीस कम है उसका लाइव शो फीस ज़्यादा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कम ज़्यादा फीस होती रहती है। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो बने रहेगा फुल वीडियो तक। एंड अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। सो लेट्स फॉर वीडियो। इसमें हमने टॉप 10 सिंगर को ऐड किया एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगने वाली। सो लेट्स 10वें नंबर पर है एपी दिलो, जो कि बहुत ही फेमस हुए 2022 में। सो आपको पता भी होगा एपी दिलो पंजाबी कनाडियन सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है। सो आपको पता भी होगा पंजाबी म्यूजिक 5 ऑन द सिंगल हैव पिक्ड ऑन द ऑफिशियली चार्ट कंपनी यूके एशिया एंड पंजाबी चार्ट इनका मांझला एंड ब्राउन मुंडे एंड टॉप एंड द चार्ट। सो आपको पता भी होगा ब्राउन मुंडे कितना हिट हुआ था। एपी दिलो ने बहुत सारे सॉन्ग्स दिए, जैसे ब्राउन मुंडे, एक्सक्यूज, गानी और भी अमेजिंग सॉन्ग्स, हिडन जेम्स, बहुत सारे सॉन्ग्स एपी दिलो ने दिया। सो एपी दिलो अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 7 लाख रुपीस चार्ज करते हैं, मतलब कि वो पुराने सॉन्ग सभी। तो इनका न्यू चार्ज फीस पता नहीं, क्योंकि इन्होंने अभी तक सॉन्ग्स नहीं दिया फेमस होने के बाद। बाकी हम इनका न्यू फीस भी बताएंगे आपको। 9वें नंबर पर जस करण सिंह, यानी कि करण औजला, इनका इंडियन सिंगर, रैपर एंड टेलीकास्ट, इनका पंजाबी म्यूजिक एजेंसी में काम करते हैं। सो आपको पता भी होगा। सो इनका सिंगल ट्रैक हैज बीन फ्यूचर इन द यूके एशिया म्यूजिक चार्ट एंड 7 फ्यूचर इन द ग्लोबल यूट्यूब वीकली चार्ट। तो आपको पता भी होगा करण औजला बहुत सारे अमेजिंग सॉन्ग्स दिए, जैसे चिट्टा कुर्ता, क्या बात है, और भी अमेजिंग सॉन्ग्स करण औजला ने दिया। एंड इसकी फीस भी बहुत ही हाई है। एंड करण औजला अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 8 लाख रुपीस फीस चार्ज करते हैं। 8वें नंबर पे शुभदीप सिंह सिंधु, यानी कि सिद्धू मूसेवाला, इनका रियल नेम है शुभदीप सिंह सिंधु एंड इसका स्टेज नेम है सिद्धू मूसेवाला, इंडियन सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर एंड एक्टर, इनका पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी सिनेमा। ही स्टार्ट करियर विद द राइटिंग द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग लाइसेंस सन बाय निंजा एंड बेगम। ही सिंगिंग करियर ऑन ए डेब्यूट सॉन्ग टाइटल जी वागू, जो कि बहुत हिट हुआ था। सो सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे फैन होंगे, ज़्यादातर लड़के भी उनके फैन हैं। सो हाई डॉलर और भी अमेजिंग सॉन्ग्स है सिद्धू मूसेवाला ने दिया है। सो आपको पता भी होगा एंड इसका लाइव फीस भी बहुत ही हाई है। एंड एक सॉन्ग के लिए लगभग, ये अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 8 लाख रुपीस फीस चार्ज करते हैं। एंड इसका लाइव शो प्राइस बहुत ही हाई है, 32 लाख रुपीस ये लाइव शो में लेते हैं अपने। 7वें नंबर पे है हरविंदर सिंह संधू, यानी कि हार्दिक संधू, इंडियन सिंगर एंड फॉर्मर क्रिकेटर। ही फर्स्ट सॉन्ग वास टकीला शॉट, जो कि ज़्यादा हिट नहीं हुआ, बट इनका नेक्स्ट सॉन्ग है सोच एंड जोकर, जो कि बहुत ही हिट हुआ। विच वार राइटिंग, इसको लिखा था जानी ने एंड म्यूजिक कंपोज किया था बी प्राग ने। सो आपको पता भी होगा एंड एक्टिंग किया था यार द कैचअप। सो आपको पता भी होगा। सो हार्दिक संधू ने बहुत सारे सॉन्ग्स अपनी लाइफ में दिए एंड क्या बात है, बिजली बिजली ना, बैकबोन, 500+ मिलियन ही सॉन्ग्स इन्होंने भी सजाते इसके सॉन्ग्स पे। एंड इनका रिसेंटली सॉन्ग आया है कुड़िया लाहौर दिया, वो भी काफ़ी हिट हुआ है। सो आपको देख रहे होंगे एंड वो सॉन्ग भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो हार्दिक संधू कम सॉन्ग देते हैं, बट इनके फीस भी बहुत ही हाई लेवल है। सो हार्दिक संधू अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 9 लाख रुपीज फीस चार्ज करते हैं। 6वें नंबर की बात की जाए तो जसदीप सिंह गिल एंड इंडियन सिंगर, आपको पता भी होगा जस्सी गिल, जो कि पंजाबी एंड हिंदी लैंग्वेज म्यूजिक एंड फिल्म भी करते हैं। डेब्यूट इन पंजाबी सिनेमा विद द 2014 में इनका फिल्म आया था मिस्ट्री एंड मिस्ट्रेस 420। तो आपको पता भी होगा एंड इन हिंदी सिनेमा विद द 2018 फिल्म हैप्पी फिर भाग जाएगी। सो आपको पता भी होगा एंड इन्होंने बहुत सारे अमेजिंग सॉन्ग्स पंजाबी सॉन्ग्स दिए, जैसे कि निकले कर एंड ओए होए, और भी तेरी मेरी जोड़ी, बिसुर माँ काला, और भी अमेजिंग बापू जी मिदा, और भी अमेजिंग सॉन्ग्स जस्सी गिल ने अपने लाइफ में दिए। सो जस्सी गिल ने अपने
एक सॉन्ग के लिए मोटी रकम चार्ज करते हैं। सो जस्सी गिल अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 11 लाख रुपीज फीस चार्ज करते हैं जस्सी गिल अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग। पांचवे नंबर की बात की जाए तो दिलजीत दोसांझ इंडियन सिंगर सॉन्ग राइटर एक्टर फिल्म प्रोड्यूसर एंड टेलीविजन प्रेजेंटर इन पंजाबी सिनेमा एंड हिंदी सिनेमा तो आपको पता भी होगा। सो दिलजीत दोसांझ ज्यादातर सॉन्ग से तो नहीं बनाते बट जो डियो नो लैम्बोर्गिनी और भी अमेजिंग सॉन्ग्स जीओटी और भी अमेजिंग सॉन्ग्स दिलजीत दोसांझ ने दिया है। सो इनका एक सॉन्ग फीस की बात की जाए तो ये भी अपनी मोटी रकम लेते हैं। सो दिलजीत दोसांझ अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 12 लाख रुपीस फीस चार्ज करते हैं। चौथे नंबर पे पार्थिव बच्चन यानी कि बी प्राक बेस्ट नो बाय हिज स्टेज नेम बी प्राक तो आपको पता भी होगा। इज ए इंडियन सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर इन द पंजाबी एंड हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री तो आपको पता भी होगा। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत म्यूजिक प्रोड्यूसर से किया था एंड ये अपना न्यू सॉन्ग जो रिलीज किया डेब्यू सॉन्ग उसका नाम था मन भरिया जो कि काफ़ी हिट हुआ था सो आपको पता भी होगा। एंड इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स दिए हैं कुछ भी हो जाए और एंड आपको बता दें कि ये एक ऐसे सिंगर्स हैं जिसके बॉलीवुड में एक ना एक सॉन्ग साल में रिलीज होता है एंड जो भी फिल्म हो इनके एक सॉन्ग रिलीज होना ही होता है उस फिल्म में। सो ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग मोटी रकम लेते हैं। सो बी प्राक अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 12 से 15 लाख रुपये फीस चार्ज करते हैं। तीसरे नंबर पर जसप्रीत सिंह मानक यानी कि जस मानक इंडियन प्लेबैक सिंगर सॉन्ग राइटर इनका वो आप लोग जानते होंगे इनका सॉन्ग पराडा सूट पंजाबी लहंगा विया एंड बॉस हिट ए सिंगल लहंगा हैज बीन फ्यूचर ऑन द यूके एशिया म्यूजिक चार्ट एंड आल्सो द ग्लोबल यूट्यूब वीकली चार्ट तो आपको पता भी होगा। एंड जस माना के एक ऐसे उभरते सितारे जो कि अपने कम एज में बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग से दिए इनका पराडा सॉन्ग जिसपे 745 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज है वही इनका लहंगा सॉन्ग इंडिया का मोस्ट व्यूड सॉन्ग है जिसपे 1.4 बिलियन के साथ से इनका नंबर वन म्यूजिक वीडियो भी है पंजाब का एंड इंडिया का भी सो आपको पता भी होगा। एंड जस माना का अपने एक सॉन्ग के लिए बहुत ही मोटे रकम फीस चार्ज करते हैं। सो जस माना का अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपीस फीस चार्ज करते हैं। दूसरे नंबर पे गुरशरण जोत सिंह रंधावा यानी कि स्टेज नेम गुरु रंधावा सो आपको पता भी होगा। इंडियन सिंगर सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिक कंपोजर विद पंजाबी भांगरा इंडिया पॉप एंड बॉलीवुड म्यूजिक ही इज नो फॉर सॉन्ग लाइक लाहौर हाई रेटेड गबरू इशारे तेरे एंड तेरे ते गुरु रंधावा डेब्यू सिंगल वाज सेम गर्ल इन कोलैबोरेशन विद अर्जुन। सो गुरु रंधावा बहुत ही महान गायक है इंडिया के सो आपको पता भी होगा। इनका लाहौर हाई रेटेड गबरू जिस पर 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज है एंड गुरु रंधावा टी सीरीज के लिए काम करते हैं एंड टी सीरीज इंडिया का एंड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है सो आपको पता भी होगा। एंड इसी वजह से गुरु रंधावा के सॉन्ग के फीस पर भी बहुत ही हाई लेवल फीस लेते हैं गुरु रंधावा अपने एक सॉन्ग के लिए। सो हम आपको बता दें कि गुरु रंधावा अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग से लगभग 55 से 60 लाख रुपीस फीस चार्ज करते हैं अपने एक सॉन्ग के लिए। फर्स्ट नंबर पे यो जो हनी सिंह हृदय सिंह एंड इसको आप लोग जानते होंगे यो जो हनी सिंह एंड सिंपल हनी सिंह एज ए इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर कंपोजर रैपर पॉप सिंगर रिलीकास्ट एंड फिल्म एक्टर। सो इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था 2003 में एज ए सीजन ए रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट एंड ये बीकॉम ए भांगरा एंड हिप हॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर तो आपको पता भी होगा। एंड ये यो जो हनी सिंह ने एक पंजाब को एक अलग ही हवा दिया है सो आपको पता भी होगा। ब्राउन रंग एंड बहुत सारे मखना लोका और भी अमेजिंग सॉन्ग्स हनी सिंह ने दिया सैया जी और भी अमेजिंग सॉन्ग्स हनी सिंह ने अपनी लाइफ में दिया। सो ये जो हनी सिंह की देनी की पंजाब इतने बड़े आगे जा रही है। सो ये हनी सिंह अपने एक सॉन्ग के लिए लगभग 80 लाख रुपीस फीस चार्ज करते हैं। सो ये थे कुछ पंजाबी सिंगर्स का एक सॉन्ग फीस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके फेवरेट सिंगर अगर इस लिस्ट में नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताना हम नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर ला देंगे। सो थैंक यू सो मच लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।